नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया और ट्विंकल खन्ना का है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भले ही अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हों, लेकिन आखिरी समय में वो काफी अकेले हो गए थे। इसके बाद उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होना शुरू हो गई, उन्हें काम मिलना बंद हो गया और इसी दौरान राजेश खन्ना ने अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को भी एक सलाह दी। राजेश खन्ना ने कहा था कि अपनी माँ से एक्टिंग के बारे में बिल्कुल मत पूछिएगा। काका ने यह बात अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना की फिल्म इतिहास के प्रमोशन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। राजेश खन्ना से पूछा गया था कि आप आजकल दिल्ली में रहते हैं, आप अपनी बेटी ट्विंकल को कैसे प्रेरणा देते हैं? इसके जवाब में राजेश खन्ना कहते हैं, मैं जब फिल्मों में आया था तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। आप खुद करिए, खुद सीखिए, अपनी माँ से भी मत पूछिए। माँ से पूछेंगी तो कन्फ्यूज़न होगी। आपका डायरेक्टर आपका कैप्टन है, उसकी गाइडेंस पर चलिए। राजेश खन्ना कहते हैं, मुझे लगता है कि जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो भगवान भी आपको अपना आशीर्वाद देते हैं और ये मेरा पक्का भरोसा है। मेरी बेटी ने और इस फिल्म की पूरी टीम ने अच्छा काम किया है, ये फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। आपको बता दें कि साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म इतिहास में अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी नजर आई थी। निगेटिव लीड रोल में अमरीश पुरी थे, हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। राजेश खन्ना की बेटी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ही थे जिनके हाथ से उन्होंने पहली बार शराब को चखा था, और इतना ही नहीं, राजेश खन्ना ने उन्हें डेटिंग एडवाइस भी दी थी। यहां तक कि कई पार्टीज में तो राजेश खन्ना उन्हें सपोर्ट तक करने पहुंच जाते थे। ट्विंकल खन्ना ने बताया था कि मेरी माँ को अक्सर वो कहते थे कि मैं माँ की तरफ से उन्हें दिया गया सबसे प्यारा तोहफा हूँ। ट्विंकल की बहन रिंकी भी कई फिल्मों में नजर आईं, लेकिन दोनों का ही एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं रहा और बहुत कम समय में ही दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।